चलिए विलंब हुआ, क्या कारण था, अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में लंबे समय से उठ रहे जातीय जनगणना की मांग अब पूरी होती हुई दिख रही है। दरअसल बीते दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और बैठक में ये फैसला हुआ कि राज्य सरकार अब अपने खर्चे पर बिहार में जातिगत जनगणना कराएगी। हालांकि अब कैबिनेट में मीटिंग बुलाई जाएगी और ये फैसला होगा कि बिहार में जातीय जनगणना राज्य सरकार के खर्चे पे किया जाएगा। वहीं इन तमाम प्रकरण के बाद जातीय जनगणना बिहार में होने वाली है, इसको लेकर के अब क्रेडिट का दौर भी जारी हो गया। दरअसल अब बिहार में जातीय जनगणना होगी, इसका क्रेडिट लेने की सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि लालू प्रसाद यादव ने ये मांग उठाई थी कि बिहार में जातीय जनगणना हो और राजद के आंदोलन के बाद से ही राज्य सरकार ने ये कबूल किया और राज्य में जातीय जनगणना कराने की बात सामने आई। आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर बिहार में पिछले कई महीनों से सियासत जारी है। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग तेजस्वी यादव के द्वारा बार बार की जा रही थी, जिसके बाद 1 जून मंगलवार को शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार के द्वारा सभी दलों से राय भी ली गई। इसमें सर्वसम्मति से बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने पर मुहर लग गई है। अब बिहार सरकार जल्द ही बिहार में जातीय जनगणना कराने वाली है, इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा। इस मसौदा को प्रस्ताव के रूप में कैबिनेट में लाया जाएगा और समय सीमा के साथ साथ इसमें खर्च होने वाली राशि पर भी कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। लेकिन सबों के बीच जब सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय किया है, उसके बाद क्रेडिट लेने की सियासत भी बिहार में तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुरू से ही जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से भी जातिगत जनगणना की सूची प्रकाशित करने की मांग की थी। जब राजद की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई, उसके बाद ही राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर अपनी सहमति दी है। बता दें कि तेजस्वी यादव का कहना है कि जातिगत जनगणना कराने में काफी खर्च होगा, इसलिए ये खर्च केंद्र सरकार वहन करे। बिहार में 40 से 39 सांसद NDA के हैं, सभी मिलकर संसद में यह मांग उठाएं, जातीय जनगणना कराए जाने पर लीगली कोई बाधा न हो, इस पर भी सरकार ध्यान दे। साथ ही तेजस्वी ने सरकार के द्वारा अगले कैबिनेट में जातिगत जनगणना प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए कहा कि इसे नवंबर महीने से पहले शुरू कर दिया जाए, ताकि बिहार से बाहर रहने वाले लोग जब त्योहारों में घर आए तो उनकी भी गणना हो सके। आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ, बाद में BJP की सरकार आती है तो उस समय अरुण जेटली जी का बयान आता है कि जो डेटा है वो करप्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं से जो इतना देश का सबसे महंगा जो सेंसस हुआ उसका कोई डेटा हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाया। और ये सब लोग जान रहे हैं कि ये हम लोगों के प्रस्ताव से, लालू जी की लगातार लड़ाई से बिहार विधानसभा में 2 बार पारित हो गया, तो ऑल पार्टी तो था ही, सर्वसम्मति से पास हुआ तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी थी, सब लोग सहमत थे। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जाति जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और 2 प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए, तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था, अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है, इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी। आज भी हम लोगों ने सुझाव में हम लोगों ने सब कुछ रखा कि इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि जो डेटा कलेक्ट करें तो उसमें सब चीज़ को कलेक्ट करके एक रूपरेखा जो है वो बताने का काम किया जाए। तो
एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मंडल कमीशन जब था उस समय भी रखा गया था, क्योंकि कई जातियाँ उपजातियाँ हैं, कई नाम हैं, तो एक सही फिगर जो है उनके सामने आएगा तो उसका विश्लेषण ये बता सकते हैं कि कैसे क्या है। तो एक तो ये था, एक हम लोगों का था कि भाई ये लीगली कोई बाधा ना बने, तो इस पर भी क्योंकि दिखवा लेना चाहिए और उसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो वो भी जो है बाधा दूर हो गई। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे, इसका जो है नाम है, और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है ना कि सेंसस, तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।